पंजाब सीएम भगवंत मान ने वीर बाल दिवस के अवसर पर दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में समागम को संबोधित करते हुए कहा कि वीर बालकों के बलिदान को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। उन्होंने कहा कि सिख परंपरा के बलिदान और शौर्य की चर्चा दुनिया भर में की जाती है। हमें शहीदजादों के बलिदान से प्रेरणा लेकर देश के लिए खुद को समर्पित करने का लक्ष्य होना चाहिए। सीएम मान ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। मोगा के आईएसएफ कॉलेज में एनआरआई मिलनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। पंजाब में पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी है। सीमा सुरक्षा बल ने एक बार फिर से अमृतसर के बॉर्डर इलाके के पास ड्रोन को मार गिराया। अमृतसर के राजातल गांव के पास से जवानों ने ड्रोन बरामद किया, जिसके बाद इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया और ड्रोन के जरिए हथियार या ड्रग्स कहां गिराए गए हैं उसकी भी तलाश की जा रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में नवाशहर में कोरोना को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। जिला अस्पतालों और निजी अस्पतालों ने ऑक्सीजन प्लांट की पूर्ति होने की बात कही और डॉक्टरों का कहना है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। श्री आनंदपुर साहिब में रेलवे स्टेशन से नांगल की मार्केट तक लंबा जाम लगने का मामला सामने आया। इस दौरान लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जाम की समस्या एक दिन की नहीं, ये हर दिन ऐसा ही रहता है। हालांकि वाहन चालकों को रास्ता बदलने का काम करना पड़ता है। लुधियाना में लोग ठंड से बचने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। साथ ही कोहरे के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के कारण सड़कों पर चल रहे वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। पंजाब और हरियाणा में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग चंडीगढ़ ने अगले तीन दिन तक भारी ठंड का अलर्ट जारी किया है। विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि 28 दिसंबर तक तेज ठंड और शीतलहर रहेगी। 28 दिसंबर की रात को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से एक्टिव होने जा रहा है, जिसका असर 29 दिसंबर को देखने को मिलेगा। रविवार को पंजाब में सबसे ठंडा जिला बठिंडा रहा। यहाँ दिन का तापमान 9 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रहा।